दोस्तों, यदि आपने कोई एमएस एक्सेल में टेबल बनाई है और यदि आपसे कोई कहे कि आपको इसका प्रिंट निकालना है, यानी कि प्रिंट आउट आपको देना है, तो आप प्रिंट को आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको कंट्रोल पी कमांड को प्रेस करना है और प्रिंट आउट आपका निकल आएगा। अब यदि आपसे कोई कहे कि आपको ये ऊपर वाली हेडिंग और ये 10 नंबर तक का, आपको सिर्फ इतना ही आपको प्रिंट निकालना है, या किसी सेल का आपको प्रिंट निकालना है, या किसी कॉलम या रो का ही आपको प्रिंट निकालना है, तो उस स्थिति में आप प्रिंट कैसे निकालेंगे? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हैं तो मेरे साथ बने रही है इस वीडियो में शुरू से आखिर तक। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप सेल का भी प्रिंट निकाल सकते हैं, एक रो का भी प्रिंट निकाल सकते हैं, एक कॉलम का भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं, पूरा भी प्रिंट निकाल सकते हैं, जितना आप चाहें उतने एरिया का आप प्रिंट निकाल सकते हैं। अब जितने भी एरिया का हमें प्रिंट निकालना है, उस एरिया को हमें सेलेक्ट करना है। मान लीजिए यहाँ से मैंने ये 10 नंबर तक का जो एरिया है इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें जाना है पेज लेआउट में और उसके बाद में प्रिंट एरिया। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर लिखा है सेट प्रिंट एरिया, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये जो एरिया है सेलेक्ट हो गया है, यानी कि ये यहाँ पर एरिया सेट हो गया है। अब आप इसका ही प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी कि जब भी आप प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ इतना ही एरिया आएगा प्रिंट होकर के। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल पी करके देखता हूँ, तो देखिए ये सामने जो प्रिंट प्रीव्यू है इसमें आपको उतना ही एरिया दिख रहा है। यहाँ 10 नंबर दिख रहे हैं और ऊपर का जो हेडिंग है वह आपको दिख रहा है और 1 से लेकर के 10 तक के नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इतना एरिया आप प्रिंट कर सकते हैं, जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया था उतना ही एरिया यहाँ पर प्रिंट होकर के आपके सामने आएगा। बाकी सीट आपकी जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होगा। देखिए आपके सामने ये सीट बनी हुई है, 1 से लेकर के 10 तक का जो एरिया है यही आपका प्रिंट होकर के आएगा, बाकी एरिया आपका प्रिंट होकर के नहीं आएगा। यह आपको पूरी टेबल दिखेगी, लेकिन जब प्रिंट होकर के आएगी तो सिर्फ आपका 10 नंबर तक ही जितना एरिया है वही जो सेलेक्ट किया है वही एरिया यहाँ पर प्रिंट होकर के आएगा। अब यहाँ से मुझे ये कमांड हटानी है, तो इसके लिए सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में, इसके बाद में प्रिंट एरिया पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, इस कमांड पे जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो यहाँ से वह कमांड हट जाएगी। और अब फिर से आप इसको देख सकते हैं, कंट्रोल पी करके आप देखिए पूरा एरिया आपके सामने आ रहा है। जितना एरिया यहाँ पर टाइप होकर के दिख रहा है आपको पूरी शीट पर, उतना एरिया यहाँ पर बना हुआ है। अब मैं चाहता हूँ किसी एक सेल को ही प्रिंट करना, मुझे ना तो किसी टेबल की आवश्यकता है, ना किसी रो की, ना किसी कॉलम की, सिर्फ एक सेल ही मुझे सेलेक्ट करनी है और वह है गोपाल। गोपाल को मुझे सेलेक्ट करना है, यानी कि जो गोपाल का नाम है सिर्फ यही प्रिंट होकर के आए। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले जाना है पेज लेआउट में, इसके बाद में प्रिंट एरिया पे जाएंगे और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये जो हमारा एरिया है यानी कि ये सेल है सेलेक्ट हो जाएगी। अब मैं यहाँ से कंट्रोल पी करके देखता हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू, तो सिर्फ गोपाल की जो सेल है यानी कि गोपाल जिसमें लिखा हुआ है वही सेल यहाँ पे प्रिंट होकर के आएगी। तो आप जितना एरिया यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उतना ही एरिया यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा और वही आपको प्रिंट होकर के आएगा। यहाँ से इसको फिर से एग्जिट कर लेते हैं और एग्जिट करने के बाद में यहाँ फिर से जाएंगे पेज लेआउट में, प्रिंट एरिया पे जाएंगे और क्लियर प्रिंट एरिया, इसके बाद में ये कमांड यहाँ से हट जाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप कर लेता हूँ, 1, 2, 4, 9, 6, 3। अब मैंने यहाँ पे ये नंबर टाइप किए हैं, अब मैं चाहता हूँ सिर्फ यही नंबर प्रिंट होकर के आए हैं। तो इसके लिए इन नंबरों को सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में जाएंगे पेज लेआउट में, इसके बाद में जाएंगे प्रिंट एरिया पे, यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये नंबर यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। और अब आप देखेंगे कंट्रोल पी करके तो प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ यही नंबर आपको दिखाई देंगे, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ यही नंबर प्रिंट होकर के आएंगे। तो आप जितना एरिया यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ये जो पेज लेआउट वाली कमांड है इसमें प्रिंट एरिया वाली कमांड है, प्रिंट एरिया के अंदर ये सेट प्रिंट एरिया है, इसको आप क्लिक करते ही ये जितनी भी सेल या जितना भी एरिया आप सेलेक्ट करते हैं उतना एरिया यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है और वही एरिया प्रिंट होकर के आता है। अब इस कमांड को यहाँ से हटाने के लिए आपको फिर से पेज लेआउट में जाना होगा, फिर उसके बाद में जाना है आपको प्रिंट एरिया पे और यहाँ से क्लियर प्रिंट एरिया, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से ये कमांड हट जाएगी। अब आप फिर से देख सकते हैं और देखने के बाद में आप प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे जितनी भी आपने ये शीट में टाइप किया है यानी कि ये आपने टेबल तैयार की है वह आपके सामने आ रही है और ये जो नंबर आपने अभी टाइप किए हैं ये नंबर भी यहाँ पर शो हो रहे हैं।
तो ये प्रिंट एरिया कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इस कमांड का यूज़ करके आप जितना एरिया सेलेक्ट करना चाहें उतना ही एरिया आपका प्रिंट होकर के आएगा, बाकी एरिया आपका प्रिंट होकर के नहीं आएगा। चाहे आपने कितनी भी बड़ी टेबल तैयार की है, शीट में कुछ भी आपने बनाया है, सिर्फ आपको जितना एरिया चाहिए उतना एरिया को सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट एरिया कमांड की सहायता से आप उतना ही प्रिंट ले सकते हैं।